मैं इनसे मिला हुआ हूँ प्यारे, मैं क्या सबका भूला भाई हूँ, क्या मैं सबका भाईजान हूँ। उफ, चुनाव सिर पर है लेकिन हैदराबाद के भाईजान असदुद्दीन ओवैसी को सफाइयों पर सफाइयां देनी पड़ रही हैं। उनकी बीआरएस को छोड़कर किसी और से चुनावी सेटिंग नहीं, बीच चुनाव ये नौबत आई क्यों? जवाब है बीजेपी युवा मोर्चा की एक शरारत। दरअसल हुआ यूं कि बीजेपी युवा मोर्चा ने एक पोस्टर बनाकर जारी कर दिया है जिसमें बीआरएस और कांग्रेस के निकाह में ओवैसी दीवाना वाला फील गुड है। लेकिन इस पोस्टर को देखकर ओवैसी साहब को लगा कि बीजेपी उन्हें काजी बना रही है। बीजेपी के लिए कार्टून बनाया, मुझे किसी अखबार के साहबी ने कहा कि मेरी फोटो डाल दिए, मुझे काजी बना दिए। अब ओवैसी ने अपनी जनसभा में इन बातों से लोगों को पेट पकड़ने को मजबूर जरूर किया, लेकिन उन्हें पता है कि चुनाव के बीच ये बात कितनी गंभीर है। दरअसल ओवैसी और उनके गठबंधन पार्टनर केसीआर के मुस्लिम वोट बैंक की पॉलिटिक्स ही इसी बात पर टिकी है कि उनका कांग्रेस से 36 का आंकड़ा है। अगर गलती से तेलंगाना के मुसलमानों को यह संदेश चला गया कि कांग्रेस और बीआरएस में मिलीभगत है और ओवैसी उस खेल में शामिल है, तो फिर मुस्लिम वोट बैंक का फोकस हो सकता है कि कांग्रेस को शिफ्ट हो जाए, बीआरएस और ओवैसी कमजोर हो जाए। बीजेवाईएम के पोस्टर से बीजेपी के इस दांव को ही समझकर ओवैसी ने बीजेपी के सबसे बड़े चेहरे यानी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को घेरने की कोशिश कर दी। फोटो में भी डाले तो मालूम हुआ मोदी की फोटो अब काम नहीं कर रही तेलंगाना में बीजेपी के। नरेंद्र मोदी पर ओवैसी का यह हमला ऐसे समय पर हुआ जब मोदी पहले ही कांग्रेस और बीआरएस का डीएनए एक बता चुके हैं। बीआरएस और कांग्रेस अलग अलग नहीं है, एक ही सिक्के की दो बाजू है। कांग्रेस ने 7 दशक में परिवारवाद और भ्रष्टाचार का जो मॉडल डेवलप किया, बीआरएस उसी पर चल रही है। दोनों की मंशा मिलकर राज्य की संपत्ति को लूटने की है। यहां तो बीआरएस की दो टीमें तो साफ दिखती हैं, एक पर्दे के पीछे सी टीम भी है। ये कांग्रेस का सी है ना, ये सी बीआरएस की सी टीम है, एक कांग्रेस बीआरएस की सी टीम है। कांग्रेस और बीआरएस को एक ही बताने के बीजेपी के इस दांव से असदुद्दीन ओवैसी को सबसे ज्यादा झटका लग सकता है, क्योंकि तब तेलंगाना के मुस्लिम वोटरों को यह संदेश जा सकता है कि वो 3 में है ना 13 में। वैसे भी बीजेपी जो तेलंगाना में अभी नंबर 1 या 2 की पोजीशन पर आने की सूरत में भले नहीं दिखती हो, लेकिन हैदराबाद क्षेत्र में अपने हिंदुत्व के जरिए जमीन तैयार करने की कोशिश जरूर कर रही है। हैदराबाद क्षेत्र में बीजेपी अगर जरा भी मजबूत हुई तो ओवैसी की सियासी जमीन जरूर खिसकेगी। इस पर राहुल गांधी का ये दांव कि असदुद्दीन ओवैसी बीजेपी को फायदा पहुंचाने की कोशिश करते हैं, उन्हें बहुत भारी पड़ सकता है। चुनाव में बीआरएस, बीजेपी और एमआईएम एक साथ खड़े हैं। लड़ाई बीआरएस और कांग्रेस के बीच में है, एमआईएम और बीजेपी सिर्फ बीआरएस की मदद कर रही है। इसलिए आपको पूरा का पूरा समर्थन कांग्रेस पार्टी को देना है। असदुद्दीन ओवैसी पर कांग्रेस या बाकी क्षेत्रीय दलों का यह हमला नया नहीं है। देश में कहीं भी चुनाव हो, ओवैसी पर सबसे बड़ा आरोप यही लगता है कि वो मुसलमानों के वोट में सेंध लगाकर बीजेपी को फायदा पहुंचाने के लिए आ जाते हैं, भले उस राज्य में उनकी राजनीतिक बिसात हो या फिर नहीं। यूपी, बिहार, पश्चिम बंगाल, यहां तक कि कर्नाटक और गुजरात के चुनावों में असदुद्दीन ओवैसी ने मुस्लिम वोटों को लेकर मुख्य बीजेपी विरोधी पार्टियों का वोट कटवा होने के आरोपों को झेला। जबकि ओवैसी पिछले कई साल से ये बताते नहीं थकते कि मुस्लिम वोटों पर असली कॉपीराइट तो उन्हीं का है, क्योंकि उनके मुताबिक मुस्लिमों की बात करने वाले कांग्रेस, समाजवादी पार्टी, जेडीयू, आरजेडी और टीएमसी जैसे तमाम दल सिर्फ मुसलमानों के वोटों पर रूल करते हैं, उनके हाथ में सत्ता नहीं सौंपते। पार्टी नहीं चाहती कि भारत के मुसलमानों की, दलितों की, आदिवासियों की सियासी क़यादत बने। ये चाहते हैं कि मुसलमान इनके गुलामी करें, ये चाहते हैं कि मुसलमान इनके लिए कालीन बिछाए, दरी बिछाए, जिंदाबाद के नारे लगाए और ये नेता के लिए खवाली का प्रोग्राम करे।
मुस्लिम वोटों पर एकाधिकार जमाने की कोशिशों में असदुद्दीन ओवैसी ही एक ऐसे बड़े नेता हैं जो खुलकर इसराइल के खिलाफ आक्रामक होकर बोल सकते हैं। अयोध्या में राम मंदिर निर्माण पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर भी सवाल उठाते रहते हैं। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब जनवरी में कुछ फंक्शन करने जा रहे हैं, वो हाँ, तो हम उम्मीद करेंगे देश के प्रधानमंत्री राहुल गांधी को भी अपने साथ में लेके जाएं। ये अच्छा रहेगा, राम और शाम की जोड़ी रहेगी। रोल कांग्रेस का भी रहा है, मेरी इस बात को और ऐसे कई हजारों लाखों लोगों की बात को दोबारा कमलनाथ ने साबित किया कि बाबरी मस्जिद की डेमोलिशन और शहादत में कांग्रेस का भी बराबर का हिस्सा है। और कमलनाथ ने यह कहा कि राम मंदिर का क्रेडिट बीजेपी नहीं ले सकती, राजीव गांधी के रोल को नहीं भूलना चाहिए। हालांकि ओवैसी ने अब तक खुद को मुस्लिम अधिकारों के लिए लड़ने वाला असली चैंपियन साबित करने की जितनी भी कोशिश की, वो कोशिश काम नहीं आई। तेलंगाना में ओवैसी और उनके गठबंधन पार्टनर केसीआर का चैलेंज भी यही है कि मुस्लिम वोटरों के साथ साथ ओबीसी वोट बैंक को भी कांग्रेस की ओर शिफ्ट होने से बचाया जा सके। लेकिन ओवैसी और केसीआर की दिक्कत यह है कि राहुल गांधी ने जाति जनगणना की मांग के सहारे ओबीसी का दांव खेल दिया है। राहुल गांधी ओबीसी के सहारे ही सही, तेलंगाना में कांग्रेस और दिल्ली में नरेंद्र मोदी को हटाने का दम भर रहे हैं। अब उनके नेता आते हैं और कहते हैं भाइयों और बहनों, तेलंगाना में हम ओबीसी चीफ मिनिस्टर बैठाएंगे। अरे भाई साहब, आपको 2% वोट नहीं मिलेगा, चीफ मिनिस्टर कहां का बैठाओगे? हमें पूरे देश में मोहब्बत की दुकान खोलनी है। पहले हम यहां तेलंगाना में प्रजाला सरकार लाएंगे और फिर दिल्ली में बीजेपी और नरेंद्र मोदी को वहां से हटाएंगे। तेलंगाना में ओबीसी और अल्पसंख्यकों को लेकर कांग्रेस की आक्रामक रणनीति के बीच ओवैसी और केसीआर ने कांग्रेस के माइनॉरिटी घोषणा पत्र को मुद्दा बना लिया है। उनका दावा है कि कांग्रेस के घोषणा पत्र के मुताबिक अगर जाति जनगणना में अल्पसंख्यकों को ओबीसी के तौर पर गिनेंगे तो आपस में उन्हें लड़वा देंगे। नुकसान होगा बीसीस का, दूसरे तरफ नुकसान हो जाएगा माइनॉरिटीज का, क्योंकि अगर बीसीस में आपको शामिल करेंगे तो इससे क्या होगा? अल्टीमेटली ये होगा कि कोई अलग से माइनॉरिटी वेलफेयर डिपार्टमेंट नहीं रहता, अलग से माइनॉरिटी वेलफेयर का बजट नहीं रहता, माइनॉरिटी कमीशन नहीं रहता, और साथ ही साथ माइनॉरिटीज कॉर्पोरेशन भी सारे के सारे जब्त हो जाएंगे, सारे के सारे खत्म हो जाएंगे। ये आज कांग्रेस पार्टी का मतलब सोच है, कांग्रेस पार्टी का जो सोच है आज बीजेपी का आइडियोलॉजी से मिलता है। ओवैसी और उनके गठबंधन पार्टनर केसीआर ये समझते हैं कि ओबीसी और मुस्लिम वोटों की सियासत ही उनके लिए ऑक्सीजन का काम करती है। इसी बीच ओवैसी के ही शब्दों में, जब बीजेपी उन्हें कांग्रेस और बीआरएस के निकाह का काजी बनवाने पर तुली है तो वो न सिर्फ नरेंद्र मोदी बल्कि राहुल गांधी पर भी वार करने में नहीं चुके। अरे आप बताइए कोई तरीका है कि सुमार ने घाट के ऊपर मेरी फोटो डालना? अरे जिसकी शादी नहीं हुई, जिसके घर में कोई नहीं है बीजेपी वालों, उनके उनका कुछ करो तुम। ओवैसी के लिए कांग्रेस और बीजेपी दोनों से दो हाथ की दूरी बनाने की जरूरत सिर्फ तेलंगाना चुनाव तक सीमित नहीं, इसीलिए बीजेवाईएम का पोस्टर ओवैसी को इतना चुभा है। अरे प्यारे, मैं क्या सबका दूल्हा भाई हूँ, सबका भाईजान हूँ। ब्यूरो रिपोर्ट, टाइम्स नाउ, नव भारत।